भाई चुप कर जाओ। अच्छा तुमसे ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, मजीद कोई झूठ मत बोलना। मैं वहां पर देश में बैठा मेहनत कर रहा था और तुम लोगों ने मेरे बेटे का ख्याल तक नहीं रखा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर गया था मैं तुम पर और तुम इतनी लापरवाह हो सकती हो, मैंने सोचा भी नहीं था। कहां है मेरा बेटा, कहां है? हाय मैं खुद उसको भाभी के पास छोड़। झूठ मत बोलो, नहीं है वो उसके पास। तुम उसे कहां छोड़कर आई? प्लीज मुझे बता दो, मेरी इजाजत के बगैर कहां छोड़कर आ गई हो उसे? तो मैं और क्या करती, कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। कमजोर हूं मैं, उसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। हिफाजत? कैसी हिफाजत? गुड्डू सबसे बदतमीजी करता है, गलियों में निकल जाता था, स्कूल भेजते थे वहां से भाग जाता था, और बिचारी ये उसके पीछे गलियों में भागती रहती थी उसे ढूंढने के लिए। मेरा गुड्डू तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो तो निहायत शफीक, तमीजदार, प्यार करने वाला बच्चा था। पता नहीं तुम लोगों ने क्या सलूक किया मेरे बेटे के साथ कि वो घर से भागना शुरू हो गया, बदतमीजी करना शुरू हो गया। ये बात तुम्हें लगता है हम उसके साथ बस सलूकी करते होंगे? गुड्डू जितना तुम्हें प्यारा है, अजीज है, उतना ही हमें भी प्यारा और अजीज है वो। नहीं चाहिए मुझे तुम लोगों की झूठी तसल्लियां और प्यार। मुझे मेरा बेटा चाहिए, कहां है मेरा बेटा? कहां होगा मेरा बेटा इस वक्त, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा।